हेमू प्रीमियर लीग सीजन 2 यह खेल प्रोग्राम बड़े ही उत्साह से मनाया गया। इसमें एक वुमेन्स क्रिकेट मैच भी हुआ। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हितेश काकू, प्रणव छतबर और भारत गर्ड ने बढ़िया काम किया। गुजराती समाज में खेले जाने वाला यह खेल सेहत बढ़ाने वाला और समाज में एक नया जोश कायम करने वाला प्रोग्राम था। हमारी बीके रॉकर्स ओ जहाँ उसका ओनर है यतिन छतबर, और हमारी टीम भी अच्छी है। कोशिश हमारी रही कि कब हमको मिले, ऐसे हमारी इच्छा रहे। और ये काम ये लोग जो हितेश काकू छतबर और ये गराज भरत गराज बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और ऐसा करे आगे भी अच्छा से अच्छा काम करता रहे और नातीजनों को इकट्ठा करते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं है। आज का जो प्रोग्राम है हेमू पडिया प्रीमियर लीग, और ये दूसरा साल है उनका। पहला जो साल में आयोजन हुआ था बहुत ही बढ़िया रहा, और वही रिस्पॉन्स के हिसाब से ये दूसरा साल है और हर साल चलता रहेगा। ये यहाँ के हमारे समाज के लोगों का ऐसा मानना है। तो यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्सर है उनसे उनका हौसला बढ़ता है, तो हौसला बढ़ाने के लिए जो हमारे स्पॉन्सर है हमारे साथ में है उसके कारण हर साल अभी ये आयोजन होगा। अच्छा, मेरा इतना ही कहना है कि ये जो त्रिपुटी काम कर रही है पूरा यूथ को, ब्रह्म क्षत्रिय समाज का पूरा यूथ को एकजुट करने का काम कर रही है, ईश्वर भाई के निश्रा में ये तीनों एकदम सज धज गए हैं। कैसे क्या काम किससे लेना कैसे करना वो सब मालूम है, और एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। और यही आगे का 10 साल के अंदर ब्रह्म क्षत्रिय समाज की वो नींव रखेगा कि वो कहाँ तक समाज जाएगा, और जो नया यूथ उभरेगा उससे कैसे काम करने का वो देखा जाएगा। समाज की कोई भी इवेंट हो उसमें अगर यूथ को आपको इकट्ठा करना है तो क्रिकेट से बेटर कुछ है ही नहीं। बराबर, आज का ये एटमोसफियर एकदम बोल रहे हो ना, इलेक्ट्रीफाई एटमोसफियर है आज का, और आज जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यार मैं टीम ओनर हूँ यहाँ पर, बीके रॉकर्स मेरी टीम है यहाँ पर। पिछले साल हम लोग सेमी से जस्ट मिस हो गए थे, इस बार उम्मीद है कि हम लोग कप उठा के जाएंगे। टीम बड़ी तगड़ी है, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई गाइस हियर, प्लेइंग वेरी वेल। ये हेमू पडिया जो प्रीमियर लीग हमने शुरू की है, ऑफकोर्स हितेश और भरत भाई और प्रणव ने मिलकर काफ़ी सारा अच्छा काम किया है यहाँ पर, और सारे ओनर्स को आइडेंटिफाई करके इकट्ठे रखा है, और एक नेक्स्ट लेवल पे इस बार तो लिखी है। पिछली बार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस बार इट्स वेरी वेरी यू नो डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। स्टार्टिंग ऑक्शन से ही शुरू हो गई थी, वहाँ से पता चल गया कि भाई यू नो इस बार एक लेवल यू नो ऊपर ही जा रहे हैं हम लोग। तो आई थिंक इट्स फन, एवरी ईयर दे आर डूइंग फैंटास्टिक एंड वी आर हैविंग गुड फन हियर। सी अवर बेसिकली अवर टीम इज डिवाइन खत्रीज एंड आई एम द कैप्टन ऑफ डिवाइन खत्रीज, और आई एम द एंड द ओनर इज माई फादर सूर्यकांत मर्तक एंड गिरीश मर्तक इज माई अंकल गिरीश मर्तक। सो बेसिकली हम लोग वी हैव कम फॉर द एंटरटेनमेंट, सिर्फ विनिंग इज नॉट अवर गोल। वी आर प्लानिंग के वी गिव आवर बेस्ट एफर्ट्स एंड ऑल द प्लेयर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू बोल एंड ऑल्सो टू बैट। सो बेसिक थिंग इज टू गेट टू हैव अ गुड गैदरिंग एंड टू विन द मैच ऑफकोर्स। क्रिकेट लीग में कोई चैलेंजेस फेस नहीं है। इन दो हितेश भाई और भरत भाई और प्रणव भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है, रात रात को सब जागे हैं और सब उन्होंने यहाँ पे बैठ के ऑर्गेनाइज किए, तो नो चैलेंजेस फेस बाय मी इन दिस क्रिकेट लीग। आज के प्रोग्राम के बारे में, इट्स ऑर्गेनाइज रियली वेल एंड वी आई एम द टीम ओनर, सो आई एम रियली हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन। एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी स्मूथ एंड एवरीथिंग, जस्ट दैट वी आर प्लेइंग एंड इट्स एंजॉयमेंट गेम बेसिकली, सो वी आर एंजॉइंग। क्रिकेट लीग के रोल में बता रहे तो मैं वाइस कैप्टन हूँ टीम का, अभी जो कैप्टन बोलेंगे वैसा ही करना है हमें। हम सब एक टीम में हैं और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, हितेश भाई ने किया है, भरत भाई ने किया है, प्रणव भाई ने किया है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी दिन से सब मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। आज का प्रोग्राम के बारे में, हेमू पडिया प्रीमियम जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है ये दूसरा साल है, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक नातीजन पूरा कोऑपरेट दे रहा है, और सभी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अने हूँ विजय भाई बोसोमिया, पोते टीम ओनर छू, रॉयल खत्री टीम,
અને હરેક ટીમને બધાને હું શુભકામનાએ આપું છું કે બધા ક્રિકેટ સુભેચ્છિત રમે અને સુરક્ષિત આ પ્રસંગને સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરે. યે એચપીપીએલ 2 હમ લોગ કા જો હૈ વો ફર્સ્ટ તો સક્સેસ હુઆ હી થા, સેકન્ડ ભી સક્સેસ હોને જા હી રહા હૈ ઓર હોયેગા હી. ઓર સભી સભી ઓનર્સ ઓર સભી પ્લેયર્સ ને મુજે હમ લોગ કો બહોત સપોર્ટ કિયા હૈ ઓર ઇતના સક્સેસફુલ અભી તક જા રહા હૈ કે બાત મત પૂછો. ક્યુંકિ હમ લોગ કે જો વિજય બોસમિયા જી હૈ જો મેરે ઓનર, ઉન્હોને બહોત બડા સપોર્ટ કિયા હૈ. કુછ ભી ટોપિક હૈ તો લોગ સબ લોગ આ જાતે કે પ્રણવ ક્યા કુછ કામ હૈ, તો ક્યા કુછ કામ હૈ, કુછ પ્રોબ્લેમ હૈ, તો હમ લોગ સબ લોગ સાથ મે ખડે હૈ. તો જો સભી ઓનર્સ ઓર સભી કો ઓનર્સ સબ લોગ ને મુજે બહોત હેલ્પ કિયા ઓર સબ તક કા સજેશન દિયા હુઆ હૈ, એડવાઇસ ઉન્હોને દિયા હૈ, તો ઓલમોસ્ટ લાઇક હમ લોગ કે પાર્ટનર હી હૈ. તો મતલબ હમ લોગ કા અભી તક કા બહોત સક્સેસફુલ જા રહા હૈ. પ્રીમિયર લીગ મે આજ એક સ્પેશિયલ એટ્રેક્શન રહા વુમન્સ મેચ, તો ઉસપે એક ટીમ કી કેપ્ટન થી હિતાંશી કાકુ. તો હિતાંશી આપકા અનુભવ કૈસા રહા? બહોત અચ્છા થા, પહેલી વાર ખેલા ઓર ટીમ ભી બહોત અચ્છી થી, ઓન ધ સ્પોટ બન ગઈ, બહોત મજા આયા. આપને ક્યા કી, બોલિંગ કી, બેટિંગ કી, ક્યા કિયા આપને? બેટિંગ કી મેને ઓર અચ્છે ખાસા રન ભી બનાયા હૈ ઓર બહોત મજા આયા ઓર બહોત અચ્છા ઓર્ગેનાઇઝ કિયા હૈ ઓર બહોત હી બઢિયા થા. દૂસરી ટીમ કી જો કેપ્ટન હૈ વો કાજલ પડિયા, કાજલ આઈએ. काजल आप भी शायद पहली बार क्रिकेट खेली, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मेरा भी अनुभव पहली बार खेला, लेकिन पूरा टीम को थैंक यू सो मच, फील्डिंग और बैटिंग में भी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है, थैंक यू सो मच. तो आप दोनों में से किसकी टीम जीती? रिटर्न सी भी हियर ओनली. नहीं, हमारी टीम जीती काजल कोडा की, सुपर वुमन. हे सुपर वुमन, उसका भी रीजन है हमारे पास से डिक्लेयर करवा दिया गया था और इनको हमने आउट किया था, तब इनके प्लेयर चेंज हुए थे. अगर हम कंटिन्यू खेलते तो जीत जाते हम. मैं जल्दी आवे बैटिंग पे जा. मैं पहले भी फर्स्ट लीग में भी हाजिर था, सेकंड में भी हाजिर था. सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर अपना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोग ने जो मेहनत की है वो आज खरे सही में रंग ला रही है और आगे इस तरह से यूथ को जोड़े, ऐसी हमारी तमन्ना है. हमारे खत्री यूथ को एक मनाए और हितेश भाई ने आगे जाके एक बार बहुत बने बड़े हमारे एमपी एमएलए सब बन जाए. गिरीश भाई, एमयू पड़िया प्रीमियर लीग के आप भाई के साथ आप भी टीम ओनर है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आप काफ़ी टाइम से मैच देख रहे हैं. अनुभव बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा है. वही ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे ख्याल से एक दो महीने से मेहनत करते होंगे तभी ये अंजाम मिला है. और बहुत अच्छा जो यूट्यूब पे भी डायरेक्ट सब लोग जो नया नहीं पहुंच पाए वो यूट्यूब पे घर पे मैच देख रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है. क्योंकि मैं भी थोड़ी देर दोपहर को यहाँ पे नहीं था, मैंने भी घर पे ही मैच देखा है. और ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन से हमारा जो नाती का एकता है वो भी बढ़ रहा है, सब एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं. और ऐसा ही प्रोग्राम आगे भी हितेश भाई, प्रणव भाई और भरत भाई करते रहे और हमें उनका लाभ देते रहे, यही बात. और बर्थक ब्रदर्स, आपने जो हिसाब से ये सीजन 2 में हेमू पड़िया प्रीमियर लीग में सहकार किया है, आने वाले सालों में भी आपका सहकार मिलता रहेगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है. श्योर श्योर. श्री ब्रह्म क्षत्रिय संपक समाज के पथदर्शक श्री ईश्वर भाई पड़िया हेमू पड़िया प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज हमारे साथ उपस्थित है. ईश्वर भाई, ये सुबह से HPPL सीजन 2 का मंगल प्रारंभ हुआ, उद्घाटन समारोह में आप थे और अभी सेकेंड सेमीफाइनल चल रही है, कुछ ही मिनट पलों में फाइनल भी शुरू होगी. तो ये पूरा वातावरण, आप सुबह भी थोड़े टाइम थे हमारे साथ, तो आपको पूरा वातावरण HPPL सीजन 2 का कैसा लगा? अच्छा, क्या बेहतरीन लगा. और जो हितेश भाई, प्रणव भाई और भरत भाई ने जो मेहनत किया है, यत्न प्रयत्न और प्रयास जबरदस्त,
और उनका ये जो नतीजा है 10-10 टीम और इतनी लाजवाब नतीजनों की हाजिरी, यही बता रहा है कि भाई समाज के लिए आपने किंदा बहुत अच्छा किया। इससे क्या होता है, नाती में संगठन आता है, नाती जैसा हमारी नाती है, हमारा एक नाती ये क्रिकेट काम करती है। तो बचपन से अगर ये जो केलवनी मिलता है ना, तो आगे जाके संपर्क समाज में काम करेंगे, दूसरी संस्थाओं में काम करेंगे। और एक बात है कि हितेश भाई का भी जो उत्साह है, उमंग है, धगस है, नमस्कार, जबरदस्त है। उनके ऑफिस में वो जब भी फोन किया, कौन ये बैठा है, ये बैठा है। और पॉलिटिशियन है तो उनमें एक ऑर्गेनाइजर की शक्ति है, भरत भाई है, उसमें विनय और विनम्रता इतनी है और वो सबको अच्छी तरह जानते हैं। ये उनकी बुआ लगती है, ये बुआ का उसका बने भी लगता है, तो सारी नाती के सब लोग को अच्छी तरह जानते हैं। और प्रवण तो ये इनका और इनका दोनों का वो सपोर्ट है। और थोड़ा हमारा प्रवण जांबाज भी है और वजह क्या है कि इनकी तीन पीढ़ी मैं उसको जानता हूँ, उनके दादा से काम किया, उनके पिताजी से काम किया और प्रवण भाई से काम कर रहा हूँ। और सुबह वो रिटायर की पत्नी बच्चों के लेके आई तो मैंने बच्चों को गोद में उठाया, बोलता है इनके साथ भी काम करने वाला हूँ। ગાંધીવલી મલાડ અને બોરીવલી એનો હક છે, એમાં 80% લોકો અમારે સમાજના સમાયેલા છે, તો બધા જ તમને અમારા સમાજના તમને ઘણો ઘણો આભાર માને છે કે તમે બહુ જ 100% અમારું માન રાખ્યું અને બધાયરા, એ બદલ અમે બહુ જ બહુ તમારા ઋણી છીએ। આવી રીતે તમારા દરેક કાર્યક્રમમાં તમે પધારશો એવી અમારી આશા અને શુભેચ્છા, તમારી શુભેચ્છાઓ અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ। ધન્યવાદ।